बॉली टीवी के सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल सीजन 11 को अपने टॉप 6 कंटेस्टेंट मिल चुके हैं और कुछ ही हफ्तों में इसका फिनाले भी है। जनता की भारी भरकम डिमांड होने के कारण इस सप्ताह शो पर पिछले सीजन के टॉप कंटेस्टेंट फिर से शो पर दस्तक देने वाले हैं। हालांकि जहां पिछली बार सीजन 10 और सीजन 11 के कंटेस्टेंट एक दूसरे का साथ देते नजर आए थे, तो वहीं इस बार दोनों सीजन के कंटेस्टेंट के बीच सुरों की टक्कर देखने को मिलने वाली है। साथ ही शो पर एंकर मनीष पॉल भी अपने मस्ती भरे और चुलबुले अंदाज से दर्शकों को एंटरटेन भी करने वाले हैं। साथ ही दर्शकों के लिए सबसे बड़ा सरप्राइज ये रहने वाला है कि फाइनली दर्शक जिस चीज की डिमांड कर रहे थे वो हो ही गया। दरअसल अजमत हुसैन और जनाबी दास के शो से आउट होने के बाद शो पर बॉयकॉट एंट्री की मांग जनता कर रही थी और इस सप्ताह शो पर एक वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट की एंट्री भी होने वाली है। जी हाँ, सोनी टीवी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट किया है। हालांकि वो कंटेस्टेंट कौन है इसका खुलासा तो नहीं हो पाया है, लेकिन ये बात तो कंफर्म है कि वो एक फीमेल कंटेस्टेंट। अब ये कौन है इसका कंफर्मेशन तो शो को देखने के बाद ही पता पड़ पाएगा। बाकी आपको क्या लगता है कि हमारे फेवरेट अजमत हुसैन को इस वाइल्ड कार्ड एंट्री से कुछ फायदा होगा या फिर नहीं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।